एभ्रीवन, गुड मर्निङ मेरो सम्पूर्ण साथीहरूलाई। फेरि पनि मेरो यो भ्लगमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज यस बिहानी म हैदराबादमा, आजको चाहिँ अन्तिम दिन हो मेरो, किनभने भोलि म रिटर्न भइराखेको छु। प्रायः मेरो यहाँको सबै काम सिधिसकिसकेपछि र आजको भ्लग चाहिँ के छ भनेदेखिलाई म तपाईँहरूलाई आजको भ्लगमा चाहिँ यो वरिपरि यो हाम्रो जति पनि यो म बसेको क्षेत्रहरू छ त्यो क्षेत्रहरूलाई म तपाईँहरूलाई यसो भ्लगिङ गरेर देखाउनेछु। अनि आजको चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ गुड न्युज, मेरो छोरी पनि छ शीतल यहाँ, अनि आज म नानीलाई पनि छोरीलाई पनि भेट्ने छु। किनभनेदेखि त्यसको पनि अस्तिदेखि मैले भनिरहेको थिएँ छुट्टी पाइराखेको थिएन, अनि आज त त्यसले चाहिँ छुट्टी मिलाएको छ, अनि छुट्टी मिलाएर त्यो चाहिँ मलाई भेट्नु आउँछ। अनि म पनि त्यसलाई लिएर चाहिँ आज चाहिँ आजको भ्लगिङमा चाहिँ मसँग मेरो छोरी पनि हुनेछ। ओके ल गाइज, हेर्नुहोला। र यदि तपाईँहरू मेरो यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भनेदेखि प्लिज 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 तपाईँले सब्सक्राइब गरिदिनु होला, अनि यो मेरो भिडियोलाई हेरेर चाहिँ लाइक कमेन्ट र तपाईँहरूले मन परेदेखि आफ्नो प्रियहरूलाई साथीभाइहरूलाई पनि सेयर पनि गरिदिनु होला भनेर म तपाईँलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। र किप वाचिङ गाइज। म चाहिँ लिफ्टमा अहिले रुममा गइराखेको छु। सधैँ कुद्ने बानी गाइस, तर अहिले भयो, अहिले कुदा कुदी कुदे भएको छ नि, त्यसले गर्दाखेरि अहिले त उयो भइरहेको छ नि, कुरा जीवै बोधे भइरहेको छ, बोधे। सो ऊपर पोली से हम कहाँ जा रहे हैं? अभी जा रहे हैं गचीपोली? नहीं, गचीपोली नहीं, कौन सा, सन सिटी जा रहे हैं। सन सिटी मिलने के लिए जा रहे हैं ऊपर पोली से। ओके, तो गाइज हम अपनी बेटी से मिलेंगे और मिलने के बाद सभी ब्लॉगिंग करेंगे, आप लोग देखेगा। ओके, ओ यस गाइज, एकदमै धन्यवाद दिन्छु हाम्रो साथीसँग, मेरो फ्रेन्ड हो। र अभी हम लोग मेरा बेटी को मिलने के लिए गया था, उसको मिला। वो अभी हम कहाँ है अभी मिलिट्री एरिया में। हाँ, मेरा बेटी को मिला फाइनली। ए सीता, हाय बोल दे। हाय। ये ड्यूटी में था, ये ड्यूटी सीधा उठा करके लिया हमने अभी। ये ड्यूटी में था, ड्यूटी से सीधा लेकर के आ रहे हैं हम। क्यों लेकर के आ रहे हैं कि हम कल, मैं तो कल रिटर्न जा रहा हूँ घर, तो इसको भी आज मिलने के लिए मेरा बहुत मन कर रहा था। तो ये तो मिलने के लिए नहीं आया, ये फ्रेंड है मेरा, ये फ्रेंड मुझे मिलवाने के लिए लेके गया है। गाइस, अब म एकछिन होटलबाट बाहिर निक्लिने, एकछिन घुम्नु जाने बाहिर। आज अघि नै मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ नि, बेलुकाको नजारा चाहिँ म तपाईँहरूलाई देखाउँछु भनेर, क्या। अहिलेसम्म बसेँ म, बसेर यहाँ होटलमा टिभी हेरेँ न्युजहरू। अब चाहिँ यहाँबाट म निक्लिराखेको छु, तपाईँलाई देखाउँछु, हेर्नु होला ल। ओके, म निक्लिँदैछु अब गाइस ल। मैले नानीलाई पनि बोलाएको छु, नानी पनि यहीँ माथि नै छ। ओके,
पब्लिक में अगर ये बाटा चाहे तो फोन आके मार रहा है भाई तेरे को। अच्छा काम करो ना, डरने का बात ही नहीं ना, सब जनता सपोर्ट करेगा यार। काम अच्छा करोगे तो ऑब्वियसली करेगा, नहीं करोगे तो वो जनता सपोर्ट जो है उधर ना सपोर्ट नहीं करा, उल्टा वही मारेगा। अभी शायद यहाँ पे पहले सिर्फ और सिर्फ टीआरएस का था ना, अभी कांग्रेस तो मिट ही गया है, बस अभी एक लौता पार्टी यही है। लेकिन कैसे जाना है भाई? तो गाइस चलिए टिकट काटने ले जाते हैं। हां विश्व टिकट अराउंड 20 रुपए ले काट लिया था। अहिले यहाँ ब्याग स्याग पनि यहाँ राखेँ, ब्याग स्याग राखेर अहिले जाँदैछौँ हामी। अँ ब्याग स्याग राखेर अहिले हामीले टिकट काट्यौँ, टिकट काटेर अहिले जाँदैछौँ हामी। हो अच्छा देख्दै थियो के त। सो गाइस अब हम वहाँ पर जा रहे हैं बुद्ध स्टेचू पे, बुद्ध स्टेचू पे घुम्ने के लिए जा रहे हैं। अभी मैं बोर्डिंग में बैठा हुआ है। सो यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पर जितने पैसेंजर है सभी घूमने के लिए आए। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है गाइस, वो क्या है कि ये पानी से जो स्मेल आ रहा है ना बैटरी उसमें, उससे थोड़ा प्रॉब्लम है। सारा पाइपलाइन सारा कनेक्टेड है ना। हाँ इस तरह से देख सकते आप। अहिले हामी हेरिराखेको छौँ यो बुद्ध स्टेचूको लागि हामी गइराखेको छौँ। नाइटको भ्यू हो यो, तो गाइज मेरो फ्रेन्ड यहाँ छ, तो युवराज ये इसके बारे में थोड़ा बोलो ना क्या है। जी ये आपका ये क्या बोलते हैं, ये बुद्धा स्टैचू है। अच्छा अच्छा। और ये प्लेस का नाम है हुसैन सागर, हुसैन सागर दुमनी पार्क के अंदर में है अभी। हाँ जैसे कि आप देख सकते हैं ये बहुत पुराना स्टैचू है बुद्धा का यहाँ पे। हाँ हाँ मतलब की ये स्थापित किया गया है 2011-12 में। अच्छा अच्छा। बाई और ओल्ड KCR, वरुण KCR CM। तो ये आपके हिसाब से कितना फीट है ये होगा मेरे ख्याल से एक 60 से 70 फीट। 60-70 फीट से तो मुझे लगता है ये तो ज्यादा होगा, ज्यादा ही होगा मेरे ख्याल से। 100 फीट नहीं, 100 से कम ही होगा। तो यहाँ से वहाँ पर जो देख रहे हैं ना ये इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं ये क्या है। ये है आपका वो जो दिख रहा है आपको वहाँ पे, वो सेक्रेटेरिएट है। हाँ। नया बन रहा है चीफ मिनिस्टर का ऑफिस तो हैदराबाद CM का। हाँ। एंड ये वहाँ पे आप देख सकते हैं वो आपका लुमनी पार्क का रोड है। हाँ। उधर पे स्ट्रेट। हाँ। इधर पीछे में आपका इंडिया का फ्लैग जो कि बहुत बड़ा फ्लैग है ये यहाँ पे। हाँ। इंडिया का बहुत दूर दूर से भी दिखता है वो फ्लैग एंड इस सागर, ये लेक का नाम है हुसैन सागर। हुसैन सागर यस, वहाँ पे आप देख सकते हो स्पीड बोटिंग भी कर रहे हैं। वही उसमें आना चाहिए ना, मैं तो वही से सोच रहा हूँ। यहाँ पे हाँ नहीं नहीं वो यहाँ के लिए बस एक ही है। नहीं नहीं वो मतलब यहाँ पर जाके इसको बोलते हैं, वहाँ से ऐसे करके ना। हाँ चलो कोई बात नहीं, अभी अच्छा हुआ ना। और यहाँ पर लेंगे ना तस्वीर, फोटो शोटो लेंगे, एक बार जाएंगे वहाँ पर। सो गाइज अहिले हामीलाई यहाँ हाम्रो भाइले यहाँ सब बताएको छ कि यहाँ के हो भनेर, यहाँको परिचय दिइसकेको छ। अनि आज मलाई एकदमै मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरा बेटी भी मेरे साथ है। तो इतने साल बाद हम लोग मतलब मुलाकात हुआ तो अच्छा लगा। मतलब कति भयो तो भन्ने, एक वर्ष भयो ना, बेसी भयो, एक साल बाद भयो भेट भएको। तो मजा आउँदैछ, कसो लाग्दैछ?
तपाईँ भन्नुहोस् तपाईँलाई कस्तो लाग्दैछ। म त मलाई त मजा आइरहेको छ, अब मजा आउँदैछ है, बात भेटेको पापालाई मजा लाग्छ, मजा लाग्दैछ है, यस्तो छ। म त यस्तो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, अहिले हाम्रो भाइले भनिहाल्यो यो विषयमा, यो बुद्ध स्टेचुको विषयमा। पहिला म पनि मेरो श्रीमतीलाई पनि लिएर आएको थिएँ एकपल्ट यहाँ, यो हैदराबादको एकदमै वान अफ द बेस्ट यो टुरिज्म पोइन्ट पनि हो, यसमा हेर्छ। अस्ति मैले मेरो मिसेसलाई पनि लिएर आउँदै थिएँ, तर मैले घुम्नु चाहिँ पाइनँ, तर आज चाहिँ घुम्नु पाइराखेको छु। मुझे तस्वीर उठा रहा है, गाइस अहिले हामी यहाँ लिम्बुनी एउटा पार्कबाट निस्किसक्यौँ, घुमिसकेर पनि निस्केको, अब हामी रिटर्न घर हुँदैछौँ, हाम्रो घर जाँदैछौँ रिटर्न। सो आजको मेरो भ्लगलाई म एकदमै अन्त गरेर गइराखेको छु, र तपाईँहरू जति जना मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, कृपया गरेर तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्नुहोला, अनि तपाईँलाई मन परेर लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला, साथै तपाईँको फ्रेन्डसँग पनि तपाईँहरूले सेयर गर्नुहोला। ल आजको भ्लगलाई म यतिमै अन्त गर्दैछु, फेरि पनि हामी जल्दी नै हामी भेट्नेछौँ नेक्स्ट अर्को ब्लगमा। ओके बाई, गुड नाइट।